नमस्कार। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना महामारी में 2 साल से योग दिवस सामान्य रूप से नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार चूंकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो योग दिवस भी उसी जोश के साथ मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को मैसूरू में मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि चूंकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में योग दिवस देश भर में 75 ऐतिहासिक स्थलों पर मनाया जाएगा और इसका मुख्य जोर वैश्विक स्तर पर भारत की एक विशेष पहचान बनाने पर होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत सिलसिलेवार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इस कड़ी में हैदराबाद में 27 मई को आयोजित कार्यक्रम में 10,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 25 दिन पहले से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस साल मैसूरू में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के अलावा 21 जून को मुख्य आकर्षण गार्डियन रिंग होगा, जो कि एक रिले योग स्ट्रीमिंग है और इसमें विदेशों में स्थित भारतीय मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों को डिजिटल माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। सोनोवाल ने कहा है कि प्रस्तावित योजना में कार्यक्रम के प्रसारण की शुरुआत सूर्योदय के देश जापान से स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे होगी और इसका समापन न्यूजीलैंड से होगा। इस कार्यक्रम में करीब 70 देशों के भाग लेने की संभावना है। इस योग दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, फिल्म और खेल जगत की हस्तियां, योग विशेषज्ञ जैसी हस्तियां सम्मिलित होंगी। मैसूर में फाइनल इवेंट मास योगा डेमोंस्ट्रेशन होंगे, जिसपे हमारे देश के आदर्शवादी नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व देंगे और उसी हिसाब से देश के अलग अलग प्रांतों में 75 आइकॉनिक लोकेशन में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा और सारे प्रक्रिया में हर मंत्रालय शामिल होंगे और हर मंत्रालय भी अपने विभाग, अपने अलग अलग संस्थाओं के जरिए उसी दिन 75 लोकेशन में वो भी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाएंगे। तो हम लोगों ने इस विषय को बढ़ावा देने के लिए देश की हर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि अपने अपने प्रदेश में 75 लोकेशन में वो भी तैयारी करें और उसी हिसाब से हमारे सारे माननीय संसदगण को भी हम लोगों ने लिखी है, रिक्वेस्ट की है, ताकि अपने क्षेत्र में 75 लोकेशन में वो भी जनता के सहयोग से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाए। कुल मिला के हमारी लक्ष्य है देश और विदेश में अलग अलग स्थानों पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सफल बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे मानना है कि जैसे इसके 7 एडिशन के अंदर जो हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने सेट किए हैं और इस बार भी हमारा लक्ष्य है कुल मिला के 25 करोड़ जनता इस सारी प्रक्रिया में जुड़े। 75 ये जो काउंटडाउन देश की मतलब हमारे प्रोग्राम से कुल मिला के सारे प्रक्रिया में सारे प्रोग्राम में 25 करोड़ जनता जुड़ जाए, इसी लक्ष्य को हमने सामने रखकर सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो मुझे मानना है कि आप लोगों का सहयोग से निश्चित रूप से देश और विदेश में हमारे जो भी हिंदुस्तानी भाई बसे हुए हैं सब इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, जनता भी सारी प्रक्रिया में जुड़े और विद्यार्थियों को भी इस विषय पर जुड़ने के लिए हम लोगों ने एजुकेशन मंत्रालय के जरिए हमने उस कोशिश में लगे हुए हैं। और क्योंकि नई पीढ़ी आज योगा को बढ़ावा देने के लिए अगर वो निष्ठापूर्वक शामिल हो जाए तो वो भी भविष्य में मानव समाज को निरोगी रखने के लिए, सुस्वास्थ्य रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक सरल और एक समृद्धि और साथ-साथ में आनंदित जीवन हासिल करने के लिए अगर हर व्यक्ति इस प्रक्रिया में जुड़े तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसा एक मानव समाज बनेगा जहां शांति होगा,
जहां सुस्वास्थ्य होगा और जहां लोग हमेशा निरोगी रहेंगे। तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एक महत्वपूर्ण अपने सोच लेकर ही यूएनओ में प्रस्ताव रखा था और यूएनओ ने भी दुनिया के मानव समाज ने भी हर देश ने भी इसको बहुत श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया है। तो ये हमारे मानव समाज के लिए बहुत बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि आप सब अगर निश्चित रूप से सहयोग करेंगे तो हमारी इस कार्यक्रम को हम सफल बनाने में निश्चित रूप से काबिल रहेंगे। और ये जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि दुनिया में अलग अलग समय पे अलग अलग मतलब टाइम में सूर्योदय होते हैं, उसी हिसाब से हम लोगों ने भी तय किया है कि ये जो कार्यक्रम गार्डन रिंग रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होंगे जापान से शुरू होगा और न्यूजीलैंड में इसका मतलब ये होंगे एंड होंगे, तो उसी हिसाब से सारे विश्व को इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए हम लगे हुए हैं। और कुल मिला के दुनिया की 170 देश ये कार्यक्रम में जुड़ेंगे। धन्यवाद।